हेलो गाइस, मेरे पास ना कुछ प्लाईवुड के टुकड़े पड़े हुए थे, तो आज मैंने सोचा कि इनको यूज़ करके कोई अच्छा सा क्राफ्ट बनाया जाए। तो मैं काफ़ी देर से ना इन दोनों पीसेस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी मम्मी ने देखा एंड शी केम टू द रेस्क्यू। और इसके पीछे जो हुक लगाया है ना, ये जुगाड़ लगा दिया मम्मी का ही और फिर ये बनकर रेडी हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रही थी पेंट करना, लेकिन इसके आगे भी एक नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि प्लाईवुड ना पेंट बहुत ज़्यादा सोख करता है, पर इसका सोल्यूशन भी था मेरे पास। जैसो कि ना 2-3 लेयर अच्छे से कोट कर दो, बेस भी अच्छा बन जाता है और पेंट अब्जॉर्ब भी नहीं होता। अब टाइम थी डिटेलिंग की। डिटेलिंग के लिए मैंने चूज़ किया वर्ली आर्ट विथ 3D पेंट। दोनों ही मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाले थे। अब ये 3D पेंट से ना पेंट करना थोड़ा सा टफ लग रहा था एट फर्स्ट, बट लेटर ऑन ना ये मेहंदी की तरह लगने लगा। पर मेहंदी और इसमें फ़र्क है, मेहंदी थोड़ा ज़्यादा वाटरी होता है, प्लस उसको करेक्ट किया जा सकता है, इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ना, ये वही मेहंदी प्रैक्टिस का कमाल है। अब ये बनकर रेडी हो गया था और मैं इसकी पोजिशन देख कर इसको फिक्स कर रही थी। इसके लिए ना मैं एडहेसिव नेल्स यूज़ करती हूँ। इसकी बैकिंग रिमूव करो और स्टिक कर दो। इसमें ना नेल ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये अच्छे से स्टिक हो गया है और इस पर मैंने हैंग करके एक प्यारा सा प्लांटर रख दिया। तो इस तरह से हमने बचे कुचे प्लाईवुड से इतना प्यारा DIY बना लिया।